नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नोटों का बंडल दिखाई दे रहा है। अब इन नोटों के बंडल को देखकर तो ये नोट असली ही लग रहे हैं, लेकिन इन नकली नोटों को बनाने वाले शख्स ने गलती कर दी। वो ये कि नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो के बजाय बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की फोटो लगा दी। यहां हैरानी की बात यह है कि ये नकली नोट छापने वाले को ये पता ही नहीं था कि नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो होती है। ये वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने करीब 1,60,00,000 रुपए के नकली नोटों को जब्त किया है। हालांकि इन नोटों का आकार, रंग सब असली नोटों जैसा ही है, लेकिन तस्वीर से साफ हो जाता है कि ये असली नोट नहीं है, क्योंकि इन पर अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर लगी हुई है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहे नोट पहली नजर में देखने पर असली ही दिख रहे हैं। नोट का डिजाइन ठीक 500 रुपए की नोटों की तरह ही बनाया गया है। रंग और आकार भी लगभग 500 के नोट जैसा ही है, लेकिन जब तस्वीर को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये नोट असली नहीं है। इसके अलावा नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। साथ ही नोटों को एक साथ रखने के लिए कागज के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर SBI लिखा हुआ है। हालांकि आगे इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, जिसमें SBI के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टार्ट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल हो जाने के बाद बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का रिएक्शन भी सामने आया है। अनुपम खेर ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, लो जी कर लो बात, 500 रुपए के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। वहीं इससे पहले 22 सितंबर को गुजरात की सूरत पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 1,20,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए, और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।